Hi everyone, this is Samya and welcome to my YouTube channel. So, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कोई भी इंसान बिना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए और बिना कोई कोर्स खरीदे घर बैठे इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकता है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर एक इंसान ये काम कर सकता है विथ हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद किया है। मैंने आज तक कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, मैंने आज तक कोई भी इंग्लिश स्पोकन का कोर्स नहीं ख़रीदा, लेकिन फिर भी मैं आज कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकती हूँ। अब आप लोगों में से कुछ सोच सकते हैं कि शायद इसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की होगी, या फिर इसके एनवायरनमेंट में लोग इंग्लिश बोलते होंगे, या फिर इसके घर वाले इंग्लिश बोलते होंगे, या फिर और कुछ। सो लेट मी क्लियर ऑल ऑफ़ योर डाउट्स। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में की है। हाँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम में की है और इसके पीछे कुछ ख़ास वजह है और ये स्टोरी काफ़ी लंबी है तो फिर कभी सुनाऊँगी। व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, मैं झारखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ जिसका नाम सिमडेगा है और मैंने यहाँ शायद ही किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुना है, एटलीस्ट इन माय एनवायरनमेंट। मैंने आज तक कभी भी किसी को इंग्लिश बोलते हुए नहीं सुना और लोग यहाँ इंग्लिश को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते भी नहीं है। आप बोलो या ना बोलो, इट डज़ नॉट मैटर टू पीपल। और व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट एंड लाइक माय फैमिली मेम्बर्स, मेरे सभी सिबलिंग्स हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है। वे इंग्लिश समझ सकते हैं बट उन्होंने कभी भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश नहीं की। सो ऑब्वियसली मुझे कभी भी इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं मिला। मैंने जो भी सीखा है, मैं जिस तरह से बोल सकती हूँ, ये सिर्फ मैंने खुद के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इंग्लिश एनवायरनमेंट, जहाँ मैंने खुद को हमेशा ट्रेन किया कि किस तरह बोलना है, किस तरह नहीं बोलना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन स्टेप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है सो दैट यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज ईजिली, और आपको लगभग कितना टाइम लगेगा इस लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने में। क्योंकि हम लोगों की हमेशा से ये आदत होती है, हमें हर चीज़ टाइम बेस्ड चाहिए। हमें लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ में मेहनत कर रही हूँ, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे लगभग कितने दिनों में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी खुद के बारे में बताती हूँ। जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच, उस वक्त मेरी इंग्लिश की हालत ये थी कि मैं इंग्लिश समझ भी नहीं सकती थी। सो दैट हॉरिबल माई इंग्लिश वॉज़। वहाँ से लेकर वहाँ तक की सफ़र जब मैं इंग्लिश थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती थी, लाइक नॉट अबाउट एवरीथिंग, लेकिन मैं अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, मैं क्या सोच रही हूँ, इन सब के बारे में थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती थी। मुझे वहाँ यहाँ से लेकर कम्प्लीटली स्क्रैच से लेकर यहाँ तक का सफ़र जहाँ मैं थोड़ा बहुत बोल सकती थी लगभग एक साल लगा। इस एक साल के जर्नी में मैंने बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो किए, कई सारे स्टेप्स कोशिश किए सो दैट आई कुड लर्न दिस लैंग्वेज ईजिली एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जब भी किसी चीज़ को सीखने या फिर करने की बात आती है, आपको हमेशा ये बात बोला जाता है कि आपके पास गोल होना चाहिए जो आपको रोज़ दिन, हर एक दिन मोटिवेट कर सके, राइट? लेकिन कई लोगों का मानना है कि गोल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको गोल की कोई ज़रूरत नहीं, आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, दिस एंड दैट। लेकिन मेरी ओपिनियन में गोल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अ लैंग्वेज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश। क्योंकि जो भी लैंग्वेज की प्रोसेस होती है ये एक दिन की नहीं होती, आप इसे ओवरनाइट नहीं सीख सकते, आप इसे एक महीने में भी नहीं सीख सकते, इट्स नॉट दैट ईजी। आपको इसके लिए कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना होगा, इसके लिए आपको टाइम देना होगा, और टाइम दीजिएगा तो आपको ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये बात आपको अपने दिमाग में फिक्स करना होगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको एक ऐसा गोल चाहिए जो हर दिन आपको मोटिवेट कर सके,
क्योंकि जब भी आप अपनी जर्नी शुरू करते हो हर दिन लगभग आपको हर दिन रोने का मन करेगा, क्योंकि कभी कभी इतनी ज़्यादा टायरिंग होती है। मैंने कम्प्लीटली स्क्रैच से शुरू किया था, मैंने कभी भी इंग्लिश में कुछ सुना ही नहीं था, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैं हर रोज़ खुद को चार बातें सुनाती थी कि आखिर मैंने ये जर्नी स्टार्ट ही क्यों की, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा सहन शक्ति उस वक्त नहीं थी कि मैं सारा इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं थी मैं कि हर चीज़ बर्दाश्त कर सकूं। मैं खुद को हर रोज़ चार बातें सुनाती थी, लेकिन फिर भी मैंने मोटिवेट किया खुद को। और सच बताऊँ तो मैंने खुद को नहीं बल्कि मेरी गोल ने मुझे मोटिवेट किया। इट वॉज समथिंग स्कैरी। आपको खुद के लिए एक गोल सेट करना होगा जो आपको हर दिन मोटिवेट कर सके। आपको ऐसा गोल नहीं चाहिए कि ओ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ या फिर सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में मूवी देखना है। नहीं, ये गोल आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन जस्ट फॉर अ फ्यू डेज़। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेशन चाहिए तो आपको ऐसा गोल होना चाहिए, आपके पास ऐसा गोल होना चाहिए जो आपको हर वक्त मोटिवेट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ या फिर सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस इंटरव्यू को क्रैक करना है। मुझे इंग्लिश सीखना है क्योंकि मुझे इस कॉलेज में और इस स्कूल में एडमिशन लेना है। आपके पास ऐसा गोल होना चाहिए जो आपको मोटिवेशन दे सके। इट्स लाइक डू और डाई। मेरे पास ऐसी सिचुएशन थी, मैं इस गोल के बारे में फिर कभी बताऊँगी। हालाँकि मैंने हिंदी में इंग्लिश में कई बार इस गोल के बारे में मेंशन किया है, लेकिन इस वीडियो में नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए जो आपको हर दिन मोटिवेट कर सके टू स्टडी इन इंग्लिश, टू फोकस ऑन एवरी सिंगल स्टेप। अब जब आपने गोल सेट कर लिया, उस गोल को हमेशा अपने दिमाग में रखो। चाहे तो आप लिख कर इसे किसी भी वॉल में चिपका सकते हो जहाँ से आप उसे रोज़ देख सको और ख़ुद को मोटिवेट कर सको, या फिर आप खुद के दिमाग में उसे फिक्स कर सकते हो कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मुझे इंग्लिश के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे मैं आसानी से इंग्लिश बोल सकूं। वंस यू आर डन विथ इट, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ लिसनिंग। कई सारे लोगों को लगता है कि लिसनिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरी ओपिनियन में जब भी आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो तो लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप किसी बच्चे की एग्जांपल ले सकते हो। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो अपने चारों ओर अपने सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, अपने बड़ों को ऑब्ज़र्व करता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और धीरे धीरे उसे ही बोलने की कोशिश करता है। सेम चीज़ आपको भी करनी है। आपको सबसे पहले आपको सुनना होगा। आपके चारों ओर तो इंग्लिश बोलते हुए लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको खुद के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। आप इनिशियली, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि लिसनिंग से ज़्यादा आप वॉचिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं विथ सबटाइटल, आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। आपके दिमाग में धीरे धीरे फिक्स होने लगेगा कि इस वर्ड्स को इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। धीरे धीरे आपका माइंड सब चीज़ ग्रास्प करने लगेगा और आप उन साउंड्स के साथ फैमिलियर होते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आप फोकस करो लिसनिंग एंड वॉचिंग। जब आप इस स्टेप के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, लेकिन इस स्टेप के साथ कंफर्टेबल होने में आपको कुछ टाइम लगेगा। सो जस्ट बी पेशेंस, क्योंकि शुरू में तो काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, साथ ही साथ आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे कि आखिर मैं ये कर ही क्यों रही हूँ या फिर कर ही क्यों रहा हूँ। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना होगा और इसी तरह आपको लिसनिंग पे फोकस करना होगा। एंड एट द सेम टाइम आपको सबटाइटल भी देखना होगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड उस वीडियो में क्या बोला जा रहा है। जब आप लिसनिंग के साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाओ तो आपको रीडिंग स्टार्ट करना होगा। हालांकि आप लिसनिंग और रीडिंग दोनों एक साथ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने रीडिंग कुछ लगभग एक दो महीनों के बाद स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं था कि मैं दो चीज़ों को एक साथ टॉलरेट कर सकूं। लिसनिंग मेरे लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड था, जिसे मैं बहुत ही मुश्किल के साथ फॉलो कर रही थी, और मैं साथ ही साथ रीडिंग फॉलो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ दिन रुक गई और लगभग एक दो महीने के बाद मैंने रीडिंग स्टार्ट किया।
अब जब आप रीडिंग करते हैं, काफ़ी लोग को ये डाउट होता है और ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास इंग्लिश में बुक अवेलेबल नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अपनी जर्नी बिना बुक के स्टार्ट की क्योंकि मेरे घर में किसी ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की, कोई बुक्स पढ़ता नहीं था, इसलिए मेरे घर में इंग्लिश बुक था ही नहीं। मैं गूगल से आर्टिकल पढ़ती थी। आप गूगल में जाओ, कोई भी किसी भी टॉपिक को चूज़ करो, उस पर आर्टिकल सर्च करो, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स हो जाएंगे। आप उनमें से किसी एक को पढ़ना शुरू करो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो बुक हो, आपको ध्यान रखना होगा कि आप एटलीस्ट 60-70% समझ रहे हो, ठीक है? क्योंकि अगर आपको लगे कि आप इनमें से कुछ भी नहीं समझ रहे हो, सो आपके पास इट्स टाइम फॉर यू टू स्टॉप। आपको कुछ और चूज़ करना होगा जिसे आप समझ सकें। हालांकि आपके पास ऑप्शन होगा, आप किसी वर्ड्स को नहीं समझ रहे तो उसे टैप करो एंड देन यू विल गेट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको कम से कम 60-70% समझना होगा सो दैट यू कैन रीड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप उसे आउट लाउड पढ़ रहे हो, आप उसे जोर से पढ़ रहे हो, जिससे आपका टंग इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेन हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने इंग्लिश सुना, जिससे हम लोग का कान को हम लोगों ने ट्रेन किया कि आपको ये साउंड सुनना है, इसके साथ फैमिलियर होना है और अनकम्फर्टेबल फील नहीं करना है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में सुन रहे थे। अब आपको इंग्लिश में बोलना है, आप बोल तो बिल्कुल नहीं सकते उस शुरुआत में, इसलिए आपको जो भी पढ़ रहे हो आप उसे जोर से पढ़ो, जिससे आपका टंग ट्रेन हो कि किन वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। अगर आपको कभी भी लगे कि आप इस वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सर्च करो। आपको हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें आसानी से आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी एट द सेम टाइम करेक्ट कर सकते हो। जब आप ये दोनों स्टेप्स फॉलो करते हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है एंड दैट इज़ राइटिंग। काफ़ी लोग राइटिंग को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें ये बोरिंग लगता है, उन्हें लगता है कि इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप इनिशियली शुरुआत में आपको राइटिंग करना ही होगा क्योंकि शुरुआत में आपको बोलने में काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन राइटिंग एक ऐसे स्टेप है जो आपकी उस मुश्किल को थोड़ा आसान बना देती है। तो अब आपने जो भी सुना, जो भी पढ़ा, अब आप उसे छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना शुरू करो। जैसे कि आप आई वॉन्ट टू गो देयर, आपको इसे छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना है। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, विथ टाइम आपके सारे मिस्टेक्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। और हाँ, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैंने गलती किया वाइल राइटिंग तो उसे कौन करेक्ट करेगा। कोई बड़ी बात नहीं, अभी आप गलती कर रहे हो, कुछ महीनों बाद, विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की थी। उस गलती को आप ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लोगे बिकॉज आपने इतना ज़्यादा पढ़ा है, इतना ज़्यादा रीड किया है, इतना ज़्यादा सुना है कि आपको अपनी गलती के बारे में खुद ही रियलाइज़ होने लगेगा। तो सबसे पहले आप लिखना शुरू करो, जो भी जितना स्मॉल सेंटेंस। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि इनिशियली आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। मैं खाना चाहती हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैंने ये काम किया, छोटे छोटे सेंटेंस को करो। और जो भी आपने लिखा है इंग्लिश में उसे अब जोर से बोलो, जैसे कि आप उसे असल में बोल रहे हो। ट्राई टू स्पीक देम, ओके? उसके बाद जब आपने राइटिंग अच्छी तरह से कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ स्पीकिंग। अब जब भी स्पीकिंग की बात आती है, कई लोगों को लगता है कि मैंने अपना काफ़ी सारा टाइम बाकी स्टेप्स को फॉलो करने में लगा दिया, जैसे कि लिसनिंग, वॉचिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, अब मैं आसानी से फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकती हूँ। बट इट डज़ नॉट रियली वर्क इन दिस वे। आपने भले ही काफ़ी सारा टाइम बाकी स्टेप्स को फॉलो करने में इन्वेस्ट किया, लेकिन जब भी स्पीकिंग की बात आती है आप फंस ही जाओगे। एटलीस्ट आई गॉट स्टक। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो इन इंग्लिश, आप
भले ही सब चीज़ को जोर से पढ़ रहे हो आउट लाउड, लेकिन आप स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो, जो भी उस बुक्स में लिखा गया है, जो भी उस पैराग्राफ में लिखा गया है, आप उसे पढ़ रहे हो। आपको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी स्पीकिंग की बात आती है, आपको खुद से स्टोरी क्रिएट करना होता है, आपको खुद से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना होता है, एंड देन यू आर सपोज टू स्पीक, राइट। और इस प्रोसेस में काफ़ी लोग फंस जाते हैं। मुझे आज भी अपनी जर्नी याद है, जब मैंने शुरुआत की थी इंग्लिश में बोलने की, मैं खुद को 2 मिनट का टाइम देती थी हर बार कि तुम्हें 2 मिनट के लिए बोलना है, लेकिन वो 2 मिनट मुझे पूरे 2 घंटे की तरह लगते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने कभी भी इंग्लिश में बोला नहीं था, भले ही मैंने काफ़ी लंबे वक्त तक सुना इंग्लिश में, ज़ोर ज़ोर से पढ़ा, लेकिन फिर भी बोलने के टाइम पे मैं हमेशा फंस जाती थी। लेकिन फिर भी किसी तरह मैंने खुद को कन्विंस किया दैट यू हैव टू स्पीक, और धीरे धीरे उस टाइम स्पैन को मैंने आगे बढ़ाया। शुरुआत में मैंने 2 मिनट के लिए बोला लगभग फॉर अ वीक एंड फॉर एटलीस्ट 15 डेज, एंड देन उसके बाद मैंने सेम चीज़ बढ़ाया, नाउ आई हैव टू स्पीक एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। इस तरह मैंने 5 मिनट के लिए बोला, फिर मैंने 10 मिनट के लिए बोला, फिर मैंने 15 मिनट के लिए बोला। इसी तरह मैं लगभग हर 15 दिन में इसी तरह अपने टाइम स्पैन को बढ़ाती थी। इट वॉज रियली रियली डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी आपको ये काम करना था क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो यही काम मैंने खुद के साथ किया। साथ ही अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, और अगर आपको लगता है कि मैं अकेले खुद से बात नहीं कर सकती, तो आप कैमरे के सामने इस तरह जिस तरह मैं बोल रही हूँ, कैमरे के सामने आप खड़े होकर खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो और अपने मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर सकते हो कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। शुरुआत में तो आपको अपनी कोई भी मिस्टेक्स पता नहीं चलेगी, लेकिन जब आप काफ़ी ज़्यादा इस लैंग्वेज के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आप खुद के मिस्टेक्स को अच्छी तरह से समझ सकोगे कि मुझे यहाँ पे डिड के जगह डू यूज़ करना था, मुझे यहाँ हैव की जगह हैड यूज़ करना था, इट्स लाइक दैट। और आप कैमरे के सामने के अलावा आप मिरर के सामने भी खड़े होकर खुद से बात कर सकते हो। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है खुद से बात करने में, आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ बात कर सकते हो एज इफ इट इज़ अ पर्सन। आपको उसे पर्सन की तरह ट्रीट करना है और जस्ट टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, टॉक अबाउट व्हाट यू आर रियली थिंकिंग। इसी तरह मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स किए जिसने मुझे एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनाया। उसके बाद एक टाइम के बाद जब मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं अब इंग्लिश बोल सकती हूँ, इवन दो आई वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मैं काफ़ी सारे मिस्टेक्स बना करती थी वाइल स्पीकिंग, मैंने कई यहाँ पे प्ले स्टोर में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, आप उनमें से किसी भी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। कई सारे फ्री है, कई सारे पेड है, आप जो मन करे आप किसी भी एप्लीकेशन को चूज़ कर उसे यूज़ कर सकते हैं और बाकी को लर्नर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसी तरह घर बैठे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। अब इस पूरे वीडियो को हम लोग एक बार समराइज करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जो आपको हर दिन मोटिवेट कर सके कि आपको इंग्लिश में फोकस करना है, आपको ये स्टेप फॉलो करना है और ये स्टेप फॉलो करना है। नंबर 2, आपको खुद के लिए एनवायरमेंट क्रिएट करना है। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप बहुत सारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप कई सारे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर और बुक्स को पढ़ सकते हैं। आप खुद के लिए एक जर्नल सेट करो जिससे आप आसानी से हर रोज़ लिख सको। आप खुद को एवरीडे ट्रेन करो कि आपको इंग्लिश में बोलना है, भले ही आप मिस्टेक्स कर रहे हो। इसी तरह आप खुद के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। नंबर 3, फोकस ऑन लिसनिंग और वॉचिंग। इनिशियली आप फोकस करो वॉचिंग पे, मतलब आप किसी भी वीडियो को देखो, भले ही वो यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई मूवी हो, आपको जो भी बेहतर लगे। उसके बाद आपको लिसनिंग पे आना है, जस्ट फोकस ऑन ओनली लिसनिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश और नॉट। नेक्स्ट स्टेप इज़ रीडिंग, आपको रीडिंग पे फोकस करना है। आप जो चाहे वो रीड कर सकते हो, चाहे वो बुक हो, आर्टिकल हो, ब्लॉग हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी। वंस यू आर डन विद दीज स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप इज़ राइटिंग। आप जो भी पढ़े, आपने जो भी सुना, उसे खुद के वर्ड्स में समराइज़ करने की कोशिश करो, खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़
स्पीकिंग, आपने जो भी लिखा है उसे जोर से पढ़ो जैसे कि आप उसे असल में बोल रहे हो। इस तरह इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक पे कंफ्यूजन है कि अगर आप कंप्लीट बिगनर हो तो किस तरह वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, किस तरह ग्रामर पढ़े और किस तरह सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करें, तो मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे इंग्लिश में बना रखा है। लेकिन अगर आपको हिंदी में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूँगी कि सेम वीडियो को मैं इंग्लिश में अपलोड कर सकूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ हेल्प हो गई हो और समझ में आ गया कि किस तरह आपको ये लैंग्वेज सीखना है और घर बैठे आसानी से आप फ्लुएंट हो सकते हो। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।